आज हम बात करेंगे दबंग 3 के बारे में। अभी सलमान खान की रेस 3 रिलीज भी नहीं हुई, इसके बावजूद दबंग 3 क्यों है अभी चर्चा का विषय, और किस फिल्म से दबंग 3 का होने वाला है क्लैश। इस बार की दबंग 3 में ऐसी कौन सी 5 क्वालिटीज हैं जिसके कारण सलमान खान की फिल्म दबंग 3 सुपरहिट साबित होगी। सलमान खान बॉलीवुड के किस सुपरस्टार की बराबरी कर लेंगे। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है नितिन और आपका स्वागत है बॉलीग्रैड स्टूडियोज की एक और नई वीडियो में। सलमान खान की फिल्म दबंग 3 की रिलीज डेट को लेकर काफी कंफ्यूजन बना हुआ है। फिल्म जल्द ही फ्लोर पर जाने वाली है। कुछ ही दिनों पहले रिपोर्ट थी कि फिल्म 2018 के दिसंबर अंत में रिलीज होगी, फिर इसे प्रीपोन्ड कर 9 दिसंबर कर दिया गया। लेकिन ताजा अफवाहों की माने तो सलमान खान अपने दोस्त शाहरुख खान की फिल्म जीरो से क्लैश नहीं करना चाहते, ना ही उसके एक हफ्ते आगे पीछे रिलीज करना चाहते हैं। इसीलिए दबंग 3 की रिलीज डेट अब 2019 कर दी गई है। दबंग 3 को अब आगे बढ़ा 2019 की जनवरी में ले जाया गया है। दबंग 3 अब 2019 गणतंत्र दिवस पर रिलीज होगी। ईद और क्रिसमस के बाद अब सलमान खान रिपब्लिक डे पर भी धमाका करने को तैयार हैं। 2019 के रिपब्लिक डे पर पहले ही ऋतिक रोशन की फिल्म सुपर 30 की रिलीज डेट फाइनल है। लिहाजा यदि सलमान खान अपनी दबंग 3 को उसी दिन रिलीज करेंगे तो 2019 की शुरुआत एक धमाकेदार क्लैश से होने वाली है। लेकिन दोनों सुपरस्टार्स के फैंस के सामने बहुत असमंजस वाली स्थिति होगी। दबंग 3 से जुड़ी कुछ दिलचस्प बातें। निर्देशक प्रभु देवा ने कहा, दबंग 3 टिपिकल सलमान खान फिल्म है, दर्शकों को बिल्कुल भी निराशा नहीं होगी। फिल्म में जमकर एक्शन सीन्स भी हैं। प्रभु देवा ने कहा, फिल्म की स्क्रिप्ट पर काम पूरा हो चुका है और सलमान भी स्क्रिप्ट सुन चुके हैं। जल्द ही फिल्म फ्लोर पर आ जाएगी। दबंग 3 में कॉमेडी, इमोशन, एक्शन सभी कुछ है। हाल ही में अरबाज खान ने दबंग 3 के बारे में बात करते हुए कहा कि टाइगर जिंदा है की तरह दबंग 3 भी लोगों को पसंद आ सकती है, क्योंकि फ्रेंचाइजी के लिए लोगों में एक अलग तरह की बेसब्री होती है, वो एक ब्रांड होती है, लिहाजा हम भी लोगों को कुछ परफेक्ट देना चाहते हैं। दबंग 3 को प्रभु देवा डायरेक्ट करने वाले हैं। इस पर अरबाज खान ने कहा, प्रभु देवा एक बेहतरीन डायरेक्टर हैं और हमें पूरी उम्मीद है कि वो दबंग 3 के साथ पूरा न्याय करेंगे। वहीं मैं और सलमान भी समय समय पर अपने आइडिया सामने रखते रहते हैं। कहानी चुलबुल पांडे की होगी। दबंग और दबंग 2 में दिखाई कहानी से पहले उसकी लाइफ में क्या हुआ, वो कैसे चुलबुल पांडे बना, फ्लैशबैक में यही दिखाया जाएगा, जबकि बाकी फिल्म में आज की कहानी दिखाई जाएगी। वहीं फिल्म में सलमान खान के साथ सोनाक्षी सिन्हा भी फाइनल हैं। हाल ही में सोनाक्षी ने कहा था कि बिना रज्जो के दबंग 3 नहीं बन सकती। माना जा रहा है कि 2019 में सलमान खान राजेश खन्ना का रिकॉर्ड तोड़ देंगे। राजेश खन्ना के पास लगातार 15 ब्लॉकबस्टर फिल्म देने का रिकॉर्ड है और सलमान खान के खाते में 12 फिल्में सुपरहिट हैं। इस बारे में हम बाद में विस्तार से चर्चा करेंगे और इसके लिए अलग वीडियो बना रहे हैं जो बहुत जल्द आपके सामने होगा। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और ऐसे ही बॉलीवुड इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए देखते रहें हमारे चैनल को और सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन।